मैं प्रसाद वाव टेक्निकल वीडियोस चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को दबा दो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं। और हाँ, इस ट्यूटोरियल का सबको नुकसान तो नहीं लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर होगा। हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार रखने वालों के लिए नई सुविधा जारी की है, जिसके मद से आधार कार्ड को मामूली फीस देकर दोबारा अपने घर पर मंगवा सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जिनका आधार कार्ड किसी न किसी कारण से खो गया है। मैं प्रसाद, आप देख रहे हैं वाव टेक्निकल वीडियो चैनल। लेट्स स्टार्ट, लेट्स एक्सप्लोर। क्या आपका आधार कार्ड खो गया है, कैसे निकाले, तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनका किसी ना किसी कारण के कारण से आधार कार्ड गुम गया है। ऐसे में उन लोगों को पता नहीं है कि आधार कार्ड खो जाने पर क्या करना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड गुम हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके पहले आपको बता देते हैं कि भारत में पहचान के लिए कई डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन उन सब में आधार कार्ड को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि इसका प्रयोग प्राइवेट से लेकर सरकारी हर कामों में होने लगा है। आपको बता देते हैं कि इससे पहले प्रिंट करने की यह सुविधा मौजूद नहीं थी, लेकिन लोगों को दिक्कतों को देखते हुए आधार ने फिर से प्रिंट करने की सुविधा लागू की गई है। हालांकि इसके पहले UID की वेबसाइट पर आधार के ई प्रिंट को डाउनलोड करने का ऑप्शन था। आधार के इस ई प्रिंट को हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपको खोए हुए आधार को फिर से पाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट में अब ये विकल्प भी मौजूद है। अपना खोया हुआ आधार कार्ड को दोबारा से ओरिजिनल कॉपी लेने के लिए आपको महज ₹50 खर्च करने होंगे। आधार को दोबारा से प्रिंट करने के लिए आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और इस वेबसाइट में आपको वही ईमेल आईडी मांगी जाएगी जो आपने पहले आधार बनाते समय दी थी। इसके साथ ही आपसे वही मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो आपने पहले रजिस्टर करवाया था। हालांकि अगर आपने पहले के समय कोई भी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं किया था तो आप भी दोबारा प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए। अगर आप आधार को फिर से प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ UID की आधिकारिक वेबसाइट पर ओपन करना है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं, आधार की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको आधार सर्विस में जाकर सबसे नीचे ऑर्डर आधार रिप्रिंट के विकल्प को क्लिक करना है। अब यहाँ पे नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर या 16 अंकों का VID नंबर लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके नीचे आपको सिक्योरिटी कोड दिखाई देगा जिसको समझकर आपको सामने दिए बॉक्स में लिखना है। अगर आपके पास आधार कार्ड पर रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है या फिर अपने पहले ही कभी रजिस्टर नहीं करवाया है तो रिक्वेस्ट OTP के सबसे ऊपर बॉक्स को चुनें। अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर है तो नीचे वाले बॉक्स को चुनें। सभी जानकारी भरने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। इससे आपके मोबाइल पर 6 अंकों का OTP आ जाएगा जिससे आपको इस वेबसाइट में OTP वाले ऑप्शन में लिखना है। OTP लिखने के बाद नीचे दिए गए नियम और शर्तों को बॉक्स को टिक करके सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने आधार से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं। अगर आपके पास आधार की जानकारी सही है तो मेक पेमेंट पर क्लिक करके भुगतान करें। भुगतान करते ही आपके आधार प्रिंट की रिक्वेस्ट UID वेबसाइट पर चली जाएगी। इसके कुछ दिन के बाद आपका आधार कार्ड आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से आधार कार्ड को रिप्रिंट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान ही गए होंगे कि आधार कार्ड खो गया है तो कैसे निकाले। यहाँ हमने आपको काफ़ी आसान तरीका बताया जिसकी मदद से आपको अपने गुम हुए आधार कार्ड को फिर से प्रिंट करवा के प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इन स्टेप को फॉलो करके या फिर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही तो आप अपने नज़दीकी आधार केंद्र में जाकर भी ये काम करवा सकते हैं। यह सुविधा अब लगभग सभी आधार केंद्र में देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में कुछ दिक्कत हो रही है तो आधार प्रिंट करने के लिए आप नज़दीकी आधार केंद्र की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे
नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी इस तरह से हम आपके लिए आते रहेंगे अधिक जानकारी के साथ में। तब तक धन्यवाद दोस्तों।